नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका किसान मित्र प्रशांत। तो दोस्तों पिछली बार मैंने एक पावर टिलर का वीडियो बनाया था, उस पर अपनी पट्टी देखा था, हमने एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ा है। तो ये किस लिए, ये जानने के लिए बहुत सारे किसान भाई ने कमेंट किया था। तो ये कंपनी का होल है दोस्तों। अगर हम जो है ये रॉड को, ये जो पीछे रॉड है आता है दोस्तों ये कंपनी का, अगर हम उस होल में डालते हैं तो रूटर, ये जो रॉड आप देख रहे हैं, ये रॉड अगर आगे आ जाता है, मैं आपको होल भी दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों। तो ये है वो कंपनी का होल, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम कंपनी के होल में इस रॉड को डालते हैं और यूज़ करते हो तो रोटर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है पैर, ये जो आप चक्का देख रहे हैं ये बहुत करीब आ जाता है। तो आप गन्ने की खेत में जब भर डालने का काम करते हो तो रिस्क बहुत रहता है रोटर में आपका पैर फंसने की। तो रोटर से अपने आप को सेव करने के लिए हमने इस तरीके का एक जुगाड़ बनाया है। तो बहुत सारे किसान भाई ने हमको पूछा कि ये पट्टी आपने क्यों लगाया है, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले पट्टी का जो लेंथ है वो आप देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी होता है अगर आप इस तरीके का जो पट्टी लगाते हो, तो आपके पैर जो होते हैं वो रूटर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो सेफ्टी बनी रहती है। तो ख़ास तरीके से इस तरीके का ट्रैक्टर आप यूज़ करते हो तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 54 इंचज़, मतलब 4 फुट 6 इंच का जो है ये पट्टी है, एल शेप का पट्टी है, एंगल है 1.5 इंच का जो है इसका लेंथ है, 1.5 इंच का एंगल हमने 54 इंचेस लिया है, मतलब 4 फीट 6 इंच। तो करीब करीब है देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे देख सकते हो आप हमने 2 जगह नटबोल्ट लगाया है। तो पहले तो देख लीजिए यहाँ पे ऑपरेटर बैठता है और यहाँ उसके पैर जो है यहाँ पर रहते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना जो है डिस्टेंस आ जाता है। यहाँ पे हमने 2 नटबोल्ट लगाए इसको जो है मज़बूती से होल्ड करने के लिए, जो एंगल पट्टी रहता है उसको मज़बूती से होल्ड करने के लिए ये जो हमने 2 नटबोल्ट लगाए हैं। तो अभी आपको एयर फिल्टर की सेफ्टी के लिए भी हमने एक गार्ड बनाया है, अगर आपको यूज़ होता है तो आप ये भी आप कर सकते हो। तो इस ट्रैक्टर का विड्थ जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर समझ लीजिए राइट साइड अगर ट्रैक्टर गलती से गिर भी जाता है तो एयर फिल्टर ख़राब होने की पूरी चांसेस होते हैं। तो एयर फिल्टर को सेफ रखने के लिए हमने इस तरीके का फ्रेम बनाया है। तो फ्रेम के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये भी आप फैब्रिकेटर वालों से करवा सकते हैं। तो इसका फ्रेम का जो विड्थ है वो 14 इंच का है, और इस तरीके से हमने फ्रेम बनाया है, 4 जगह हमने इसको नटबोल्ट से टाइट किया है। तो वो कहाँ कहाँ पर हमने नटबोल्ट लगाया है ये भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नटबोल्ट हमने गियर बॉक्स के जगह लगाया है, तो यहाँ पे हमने इस पट्टी से यहाँ पे नटबोल्ट लगाया है, ये पहला नंबर। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे एल शेप लगाया है दोस्तों, एल शेप से यहाँ पे नीचे आया है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने नटबोल्ट लगाए दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर का नटबोल्ट हमने यहीं एयर फिल्टर के पास लगाया है, तो ये तीसरा नंबर का है। और चौथा नंबर हमने चस्सी के ऊपर लगाए, तो चस्सी आप देख सकते हो चस्सी के ऊपर हमने लगाए, मतलब चारों जगह मज़बूत कर दिए। अगर समझ लीजिए गलती से ट्रैक्टर गिर भी जाता है तो एयर फिल्टर जो है सेफ रहता है। तो आप देख लीजिए इस तरीके से हमने बनाया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर इस तरीके की वीडियो आपको आगे भी चाहिए तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।